राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। तो ड्रेस बहुत प्यारी है कि फ्लावर बनाए हैं हमने, और देखिए यहाँ पर ये स्टोन लगाए हैं ये यहाँ पर, और आप इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए बहुत प्यारी ड्रेस है, आज हम इसको बनाएंगे 2 और 3 नंबर में। इसको हम किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको घेरा छोटा बड़ा करना पड़ेगा, सिर्फ अगर आपने 4 और 5 में बनानी है तो आप घेरे के राउंड ज़्यादा कर लीजिए, फिर आपकी ये बड़ी हो जाएगी। और छोटी बनाने के लिए आपको घेरे के राउंड कम कर दीजिए तो छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको छोटी बड़ी बना सकते हैं। तो आज इस ड्रेस को बनाएंगे हम। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी हमारी वूलटेक के नाम से ही है। आप सर्च करेंगे, जो चैनल हमारा यूट्यूब के नाम से है वही हमारी इंस्टा आईडी है वूलटेक के नाम से ही, तो आप वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने चोली बना ली है। चोली बनाने के बाद में हमने एक घेरे का राउंड दिया है, तो यहाँ पर हमने सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया लिया है हमने। ये देखिए ये हमारे चोली के लास्ट में 20 थे, 5 इस तरफ 5 इस तरफ और 10 इस तरफ 20 थे, तो ये 20 के हमारे ये 40 आए हैं डबल क्रोशिया। आगे बनाएंगे अब। यहाँ पर देखिए ये 3 की चेन है हमारी, ये देखिए ये 3 की चेन है हमारी। तो यहाँ पर हम 1 2 3 3 की चेन के ऊपर हमने ये 3 की चेन ली, डबल क्रोशिया बनाएंगे हम नेक्स्ट में। ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया। देखिए 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक ही 3 की चेन हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा और एक ही डबल क्रोशिया बना लिया है हमने। तो ये 1 1 2 डबल क्रोशिया हो गए अलग अलग चेन में। तो यहाँ पर थर्ड में हम यहाँ पर बनाएंगे 2 बार इस तरह से, एक ही चेन में 2 बार बना लिया हमने। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 बार, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, तो हर थर्ड चेन में हमने 2 बार बनाना है। तीसरी चेन में आकर के 2 बार बना लेंगे हम इस तरह से। राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हम, देखिए राउंड के लास्ट में है। तो हर तीसरी चेन में हमने 2 बार बनाया, देखिए यहाँ पर 2 बार बनाया है, 1 1 2 यहाँ, 1 1 2 यहाँ। तो अब हमारी ये 1 चेन रह गई है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। 1 2 3 थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर फिर से हम 1 2 3 3 चेन लेंगे डबल क्रोशे के हाइट की, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, अब यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। तो ये हमारी चौथी चेन है, चौथी चेन में हमने 2 बार बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट में यहाँ पर 1 बार बनाएंगे, यहाँ पर भी हम 1 बार बनाएंगे, यहाँ पर भी हम 1 बार बनाएंगे। 3 में हमने 1 1 बार बनाया, अब ये चौथा है हमारा, तो चौथे में हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार बना लिया, 1 बार और बनाएंगे। तो अब हम हर फोर्थ चेन में, चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे, तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हम, तो यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 राउंड और बनाएंगे, उसके लिए हम 1 2 3 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन है हमारी ये वाली, तो यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया 1 बार, अब नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, अब नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, अब यहाँ पर बनाएंगे हम 2 बार
नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में एक बार, यहाँ पर दो बार, इस तरह से, इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ चेन में हम दो बार बनाएंगे, पांचवी चेन में दो बार, एक दो तीन चार, चार चेन में हमने एक एक बार बनाना है, पांचवी चेन में हम दो बार बनाएंगे, तीन चार, चार चेन में एक एक बार बनाया, पांचवी चेन में दो बार बनाया। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हम, और यहाँ पर भी है एक दो तीन, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट कलर लगाएंगे अब अपना हम, सबसे पहले नॉट बना लेंगे इस तरह से, एक बार और स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पर ही हम इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे, चार चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, दो बार बन लेंगे, और यहाँ पर ही हम दो फंदे निकालेंगे, पहले हम फिर दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे। अब एक दो, दो चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पहले दो निकाले, फिर दो, फिर दो, दो बार बन लेंगे, यहाँ पर ही बनाएंगे हम इस तरह से, दो फिर दो फिर दो, इस तरह से। देखिए एक ही चेन में हमने चार ट्रिपल क्रोशे बना लिए हैं। यहाँ पर हम कोई चेन नहीं लेंगे, एक चेन स्किप करी, ये दो और ये तीन, चौथे में हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे दो बार बल लेकर, एक दो तीन चार, चौथी चेन में हम फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, दो बार ट्रिपल क्रोशिया, दो चेन, दो बार ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से, एक दो, दो बार बल लेंगे, एक दो तीन छोड़ देंगे हम, चौथे में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दो बार, दो चेन लेंगे, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे एक दो, दो हमारी चेन बची हैं, एक चेन कम है हमारी यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आपके अगर एक आध चेन फालतू या कम हो जाती है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। एक दो तीन, थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है, अब हम रेड कलर लगाएंगे। रेड कलर का धागा लिया है यहाँ पर हमने, सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह से। नॉट बनाने के बाद हम कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हम, जो दो ट्रिपल क्रोशे के बीच में हमने दो चेन ली थी, तो यहाँ पर हम क्रोशे को डालेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर हम एक दो तीन, तीन चेन ली। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दो बार बना, एक बार बनाया डबल क्रोशिया हमने, एक ये तीन की चेन भी हमारे डबल क्रोशिया की हाइट की होती है, एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने यहाँ पर, ये दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और पांच डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने पांच डबल क्रोशिया लिए हैं और एक ये तीन की चेन, तो टोटल यहाँ पर छः डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर एक दो तीन, थर्ड चेन में हम इस तरह से क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ पर से हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम एक दो तीन,
तीन चेन लेंगे। तीन चेन लेने के बाद में हमने एक बार और यहाँ पर ही थर्ड चेन में ही यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसके बराबर में जो हमारी डबल क्रोशिया था उसकी चेन में हम यहाँ पर उसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक दो तीन तीन चेन लेकर फिर से यहाँ पर ही हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट में हम जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और एक दो तीन तीन चेन लेकर के हम यहाँ पर ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट के ऊपर हम सबसे पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद में एक दो तीन तीन चेन लेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, एक दो तीन तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेने के बाद में यहाँ पर ही हम इस तरह से बना देंगे सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में देखिए ये देखिए जब आप बनाएंगे तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। ये देखिए चेन है ये हमारी, यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और एक दो तीन तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर फिर से यहाँ पर ही हम इस तरह से बना देंगे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए ये जो हमारी थर्ड चेन है ये देखिए यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था और ये जो थर्ड चेन है हमारी तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम दो चेन लेंगे। ये देखिए एक और दो, दो चेन लेकर के हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ये जो दो हमने ट्रिपल क्रोशिया लिए थे ये इसके सेंटर में यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से एक दो दो चेन लेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है एक, ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी ये हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे हम, स्लिप स्टिच करने के बाद में हमने स्लिप स्टिच किया, स्लिप स्टिच के बाद में हमने यहाँ पर एक और दो दो चेन ली, दो चेन लेकर के यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से एक दो दो चेन लेंगे, दो चेन लेकर के डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हम इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशिया बनाए हमने यहाँ पर। देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया, देखिए यहाँ पर हमने छः डबल क्रोशिया लिए हैं तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, एक यहाँ पर तीन की चेन थी और यहाँ पर पांच हमने डबल क्रोशिया लिए थे तो ये टोटल छः थे तो छः डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से छः पत्ती का फ्लावर बनाए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, अब यहाँ पर देखिए किस तरह से फ्लावर बनेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन है हमारी ये वाली, यहाँ पर हम इस तरीके से जॉइन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में एक दो तीन तीन चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, एक दो तीन, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और एक दो तीन तीन चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर ही हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच, तो तीन तीन चेन लेकर के हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम स्लिप स्टिच, तो तीन तीन चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच, एक दो तीन तीन चेन लेकर फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम।
अब देखिए यहाँ पर हमने सभी में बना लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक दो दो चेन लेंगे। दो चेन लेकर के फिर से यहाँ पर हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। एक दो दो चेन लेकर नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे फ्लावर बनेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः ही हमारी पत्ती यहाँ पर आई हैं और छः पत्ती यहाँ पर आई हैं। तो इस तरह से सभी में हम फ्लावर बना लेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। पर देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। दो चेन लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। इस तरह से एक बार दो बार तीन बार चार पाँच छः, छः हमने डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पर। इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन है इसको उठाएंगे हम इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से करेंगे। एक दो तीन, तीन चेन लेकर के फिर से यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, तीन चेन लेंगे और यहाँ पर ही हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच, तीन चेन सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट में। एक दो तीन, तीन चेन लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे फिर से यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये छः के ऊपर हमने छः बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हम इस तरह से फर्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे और एक दो दो चेन लेंगे। दो चेन लेकर के यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। एक दो दो चेन लेंगे, दो चेन लेकर के हम यहाँ पर देखिए ये हमारी ये तीन की चेन है तो यहाँ पर ही हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी ड्रेस बनकर के रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।